नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 घंटे तक 8 सियासी जमातों के 14 बड़े नेताओं के साथ बैठक की और बैठक में जो जराया बता रहे हैं उसमें कंसेंसस बन गया है कि जल्द ही यूटी जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया जो है वो प्रोसेस जो है शुरू होगा और साथ ही साथ जल्द ही जल्द चुनाव होंगे और पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी, यानी इस ब्यूरोक्रेसी से राहत मिलने के संकेत इस बैठक में दिए गए। हालांकि 5 अहम मुद्दों पर इस पर चर्चा की गई। जब से 370 में संशोधन हुआ, 35 को हटाया गया, 5 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूं, तब से ही ये मांगे जरूर उठ रही थी कि स्टेटहुड होना चाहिए, एक स्टेट के 2 हिस्से किए गए, स्टेटहुड होना चाहिए। यह हाउस में भी गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी बड़ी डिमांड यह है कि रोजगार और जमीन, ये दोनों प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, इनको भी संरक्षित किया जाना चाहिए, इनकी भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। डोमिसाइल लॉज जो है, जो पुराने डोमिसाइल हैं, उनका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों जो बाहर चले गए हैं उनकी वापसी भी होनी चाहिए। और ये भी अहम बात कही गई है कि जो परिसीमन की बात है उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी को शामिल होना चाहिए, जो राजनीतिक बंदी है उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। यानी जो लक्ष्य केंद्र सरकार था उस लक्ष्य में केंद्र सरकार पूरी तरह से लक्ष्य को भेद गई है। और आपको बताते चले कि हर एक पार्टी के सदस्य ने, जिन जिनको न्योता दिया गया था, अपना अपना पक्ष ईमानदाराना तरीके से रखा और बड़ी गंभीरता से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NSA और अमित शाह और सबने उनको ध्यान से सुना। तो दर्शकों, इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी पार्टी के चीफ अल्ताफ बुखारी। अल्ताफ साहब, आपका स्वागत है। और आप इस मीटिंग को किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कि कुछ जो बर्फ जमी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगी है? मुझे लगता है कि हाँ, ये जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था बहुत ही पॉजिटिव इनिशिएटिव था और लगता है कि जिन लोगों के दिलों में बहुत ही कड़वाहट थी, शायद आज बहुत सारी कड़वाहट निकल गई होगी। हम सब लोगों ने अपने लोगों के दुख दर्द जो लोगों ने फेस किए 2019 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री के सामने बयान किए, हमने भी अपने अपनी पार्टी की तरफ से लोगों के मुश्किल बयान किए कि साहब वो जिस तरह से वो फैसला किया गया उससे ठेस पहुंची है, जिस तरह से हमारी डिग्निटी झूठ को लिया गया है, लोगों को लगता है उनकी डिग्निटी छीनी गई है जी। और प्रधानमंत्री से हमने शुक्रिया भी किया कि हमने जो उनके साथ शुरुआत की थी 2020 में, तब लोगों को लगता था डेमोग्राफिक चेंजेस होगी, हमने शुक्रिया किया कि साहब आपने आश्वासन दिया और हमें लगता है वो सही है। और इसी तरह जॉब की लोगों को शुकूक थे कि जॉब उनके छिन जाएंगे, आपने उनके लिए 100% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए की, इसी तरह जमीनों का 95%। लेकिन हमने प्रधानमंत्री से कहा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी कोई दीजिए, जो आपने किए हैं फैसले एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले हैं। इसी तरह से बात हुई कि साहब हमारी स्टेटहुड को आप रिस्टोर किया जाए ताकि हमारे लोगों को लगे कि डिग्निटी हैज बीन रिस्टोर। हमने बात की पंचायत इंस्टीट्यूशन की, आपने 3 पैनल बनाए लेकिन आप इनको एम्पावर करने की जरूरत है, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दीजिए। हमने इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी की बात की, नेशनल हाईवे करके नहीं है, हमने कहा आज भी मुगल रोड बंद है, हमने कहा आज भी सिमसन टॉप बंद है, हमने मुबारकबादी दी थी उनको कि दो जिला टनल बना रहे हैं लेकिन मुगल रोड अभी भी टनल के बारे में हमने कहा, सिमसन टनल के बारे में कहा। अल्ताफ साहब, सवाल जब ये हमने नेशनल हाईवे को लेके जी वो जरूरी था जी, हमारी प्रॉब्लम है जी, हमने ये बात की कि जो हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं ये एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, ये बाहर से लोग ले रहे हैं जी, डोमिसाइल्स को कोई ये दिया जाए गारंटी हो कि उनका पहला राइट है इसमें।
जी अल्ताफ साहब आपको उनको आपकी बॉडी उनकी बॉडी लैंग्वेज से आपको क्या लगता है कि यूटी जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव हो सकते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट मिलने वाली है यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों को? प्रधानमंत्री ने बड़ा क्लियर कर दिया कि साहब जी जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उन्होंने ये भी कहा कि सब पार्टियों के नुमाइंदे उसमें जाएंगे और जितनी जल्दी वो कम्प्लीट आप लोग मदद करोगे उसमें करने की हम उसके बाद ही इलेक्शन करेंगे जी। सब लोगों का ये था कि पहले स्टेट होल्डर स्टोर की जाए और ये किया जाए, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा वी आर कमिटेड कि स्टेट होल्डर स्टोर होगी, कब होगी वो उन्होंने बोला नहीं, लेकिन जरूर कहा कि जरूर रेस्टोर होगी। ग्रास रूट डेमोक्रेसी की बात हुई, प्रधानमंत्री ने उसमें भी कमिटमेंट दे दी कि हम तो जी जरूर चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये अल्ताफ साहब आखिरी सवाल आपसे, आप बड़े बिजी हैं, मैं ये जानना चाहूंगा क्या 370 की वापसी और पड़ोसी मुल्क से बातचीत की चर्चा किसी सदस्य ने की? आज पड़ोसी मुल्क के बारे में मैंने तो किसी की बात नहीं सुनी जी, लेकिन 370 के बारे में बात हुई, सबने बात की, हमने भी बात की, हमने कहा साहब 370 और 35 है, चूंकि कोर्ट में अगर आप लोग जल्दी उसका फैसला करवाए ताकि लोगों को लगे कि साहब एक कोर्ट में जल्द से जल्द फैसला हो जाए ताकि इमोशनल सियासत कम हो जाए। कुछ लोगों ने कहा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, बात हुई लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रधानमंत्री ने हर एक चीज सुनी और उन्होंने ये कहा कि मैं समझता हूँ दर्द लोगों का और ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है कि आज फिर बैठे हैं आगे वो चलेंगे जी। और आज सबसे बड़ी बात जो थी सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन और मुल्क की सलामती के दायरे में ही बात की, सब जी लोग जो वहां थे जी, यही सबसे बड़ी बात थी आज। अल्ताफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया, थैंक यू। तो दर्शकों वहीं इस सर्वदलीय बैठक को लेकर के कुछ दलों में नाराजगी भी थी, खासतौर पर हम बात करेंगे जम्मू में एकजुट जम्मू ने अपनी नाराजगी व्यक्त की और जगह जगह प्रोटेस्ट किया। एक प्रोटेस्ट उन्होंने जम्मू में किया। से उन कठपुतलियों को बुलाया गया जिन कठपुतलियों के खिलाफ ही जम्मू वालों का रोष है, प्राइमरीली जो गुपकार गैंग है जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों की मदद लेके जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के प्रॉक्सीज बनके देशद्रोह का काम कर रहा था, उनको न्योता दिया गया उनसे बातचीत करके अगला फ्यूचर बनाने का काम भारत की राजसत्ता कर रही है। ये बहुत काले दिवस के रूप में मना रहे हैं 370 और 35 की एब्रोगेशन के बाद, सरकार का बहुत बड़ा क्लाइम डाउन है। दर्शकों चौधरी लाल सिंह जो फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर एमपी रह चुके हैं, उनकी जो डोगरा स्वाभिमान संगठन है उन्होंने भी उधमपुर में ही प्रदर्शन किया और उनका भी यह तर्क है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को निरंतर यानी डेलिबरेटली इग्नोर करती आ रही है, जिससे कहीं ना कहीं जम्मू के हितों की अनदेखी हो रही है। क्योंकि जम्मू को फिर से गुलाम, फिर से एनस्लेव करने की कोशिश, फिर से उसको एक लॉन्च पैड की तरह यूज़ करने की फिर से कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे कृत्यों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और साथ ही साथ हम डिमांड करते हैं कि एकजुट जम्मू जो है जम्मू को अलग स्टेट बनाने की मांग करता है जो और इस आंदोलन को हम आज से इस आंदोलन की शुरुआत कर। तकरीबन 8000
उस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी, बुलाया ही नहीं था। ये जो आजाद साहब कांग्रेस के जो 5 डिमांड साहब ने बताया, बाकी और पार्टियां कितनी पार्टियां आपसे सहमत थी आपसे? नहीं, अब मैं थोड़ी ये कहूँगा कौन मेरे सहमत थे, अंदर की बात है, लेकिन ये मेरे ख्याल में यही इन्हीं के इर्द गिर्द सब चीज़ थे। कोई पहला प्रायोरिटी था, कोई दूसरा था, कोई तीसरा था, लेकिन ऑलमोस्ट यही 5 चीज़ें थी। जल्दी ऑफकोर्स सब ने अपने अपने तरीके से, हमने अपने तरीके से बात की कांग्रेस ने कि भाई क्या क्या गलतियां की, क्या क्या आपने प्रॉमिस किए थे वो नहीं हुए। दो एनसी ने अपना, फारूक साहब ने अपना तजर्बा बताया कैसे कैसे होना चाहिए था और क्यों नहीं किया, महबूबा जी ने अलग, और सब पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन एक अच्छे वातावरण में, कोई ऐसा लड़ाई का माहौल नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि एक ही स्टेट के लोग हैं तो पर्सनली एक दूसरे को बहुत नज़दीक से जानते हैं, और इशू भी सबका एक ही कारण था। और मैं नहीं समझता कि ये जो 5 मुद्दे हम लोगों ने रेज किए थे तो कोई इस पर किसी की पार्टी को आपत्ति हो, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं फॉर्मर MLC भाजपा के कोटे से सुरेंद्र अमरदार, जो लंबे समय से कश्मीर में काम करते आ रहे हैं। सुरेंद्र जी, कश्मीरी विस्थापित पंडितों को आज की सर्वदलीय मीटिंग में जगह नहीं मिल पाई, नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की है, क्या बात है, क्या कारण आपको लगता है? जी, मैं विनोद जी आपको ये बताना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडित की जो नाराजगी है जी, उसमें तथ्य है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडित के जितने भी विषय हैं जी, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखे हैं जी। कश्मीरी पंडित ये चाहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेल्स एक्ट है उसको नलीफाई की जाए जी, और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले दिनों में कश्मीरी पंडित समाज को ये शुभ संदेश भी मिलने वाला है जी। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि जो उनका जो रिलीजियस धरोहर है, हमारी जो हेरिटेज है जी, वो प्रिजर्व हो, उस पर भी एक कमेटी भी बनेगी, और वो प्रिजर्व करने के लिए भारत सरकार और हमारे जो स्टेट में उपराज्यपाल जी हैं उनकी कमिटमेंट है जी। कश्मीरी पंडित चाहते हैं कि जो आगे आने वाला डेलिमिटेशन है जी, उसमें कश्मीरी हिंदू समाज को, कश्मीरी पंडित समाज को, जिसको हम सनातन सिविलाइजेशन कहते हैं, उनके लिए एक स्पेस होनी चाहिए, कुछ रिजर्वेशन होनी चाहिए। इस पर भी केंद्र सरकार बहुत गंभीरता से संज्ञान ले रहा है जी, और जो ये सभी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है जी। और जो बात रही कि कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडित समाज कश्मीर में आकर दोबारा विस्थापित ना हो, इस विषय को लेकर भी बहुत बार हम सब ने अपनी पार्टी हाईकमान से बात की है, चर्चा की है, और हम ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि इस प्रधानमंत्री जी के बैठक में थे, और जो हमारे विषय हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि गए थे, और वैसे भी प्रधानमंत्री जी स्वयं ही कश्मीरी पंडितों का नेतृत्व भी कर रहे हैं। लेकिन अंबरदार जी, सवाल ये उठता है कि अगर कोई कश्मीरी विस्थापित पंडित कैमरा के सामने आकर के कहता है कि हमें बुलाया नहीं गया, तो जो भाजपा में बैठे हुए कश्मीरी पंडितों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्या वो उनको कन्विंस नहीं कर पाते हैं? नहीं, बात ये है कि देखिए, कश्मीरी पंडित के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जी, वो अपनी बात रखे, डेमोक्रेसी में किसी को हम बात रखने से मना नहीं कर सकते, पर ये भी मान लेना चाहिए कि अभी ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया है, जम्मू कश्मीर में जो सामाजिक स्तर पे प्रतिनिधित्व करते हैं उनको नहीं बुलाया है। और हम ये भी मानते हैं कि कश्मीरी पंडित का जो डायस्पोरा है उनका एक एक्सक्लूसिव आइडियल्स भी प्रधानमंत्री जी के साथ होना चाहिए, वो भी होने वाला है। इसलिए कश्मीरी पंडित समाज की जो बात है उनको अपनी बात रखनी चाहिए, उनको अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए, पर हम उनको आश्वासन देते हैं कि प्रधानमंत्री जी और हम सब कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडित डायस्पोरा को एक एक्सक्लूसिव आइडियाज मिले, और ये भी सिर्फ राजनीतिक दलों का ही प्रतिनिधि जा रहा था, तो इसलिए हमारे ओर से भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमरनाथ जी, कम शब्दों में
आप बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी या यूनियन गवर्नमेंट के पास कश्मीरी विस्थापित पंडितों की कश्मीर में वापसी को लेकर के क्या रोड मैप है आपके पास? देखिए, कश्मीर में वापसी के लिए एक माहौल बनाने की जरूरत है, और सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं जी, जो डोमोसाइल एक्ट कश्मीरी विस्थापन कश्मीरी हिंदू के लिए एक एक्सक्लूसिवली एक डोमोसाइल एक्ट बना जी, जिसको 1944 की रेफरेंस है। राइट, मैं समझता हूँ कि पिछले 100 साल से जो कश्मीरी विस्थापित सारे विश्व में शिकार हुआ है उनको वापस आने की एक स्कोप और कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैंडेटरी स्कोप जो बना है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबरदार जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि सुरेंद्र अंबरदार जो MLC फॉर्मर MLC, उनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि कश्मीरी, एक तो उनको उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये राजनीतिक दलों की पार्टी थी, दूसरा उन्होंने कहा है कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों की हर एक समस्या प्रायोरिटी में भारतीय जनता पार्टी ले रही है। दर्शकों, हमने जम्मू और कश्मीर की बात की, हम लद्दाख को भूल गए, लेकिन लद्दाख के लोगों को भी इस चीज का एहसास है कि कहीं ना कहीं उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार ना हो, इसलिए उन्होंने भी अब Schedule 6 और लेजिस्लेटिव असेंबली की मांग शुरू कर दी है। वो चाहते हैं कि वहाँ पर उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनके जॉब्स प्रोटेक्ट हो, उनका कल्चर प्रोटेक्ट हो और उनकी लैंड प्रोटेक्ट हो, इसके लिए Schedule 6 लागू होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारा जो अपेक्स बॉडी ने जो कल वहाँ पे मीटिंग करके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, फिर उसमें हमें कुछ उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जो भी उन्होंने इश्यूज लिया है, उसमें वो लोग बता रहे थे कि लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के बारे में उन्होंने बात की वहाँ पर। तो अच्छी बात है ये भी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ वो लोग भी एक आहिस्ता आहिस्ता है कि उस पर आ रहा है। तो अभी तक कारगिल के बारे में अगर जहाँ तक बात करें, तो कारगिल का तो आप सबको मालूम है कि कारगिल का स्टैंड जो है क्लियर है, वो हमारा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पहले भी हमारा जो रखा था रिस्टोर ऑफ आर्टिकल 370 और रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, इसको लेके ये कारगिल वालों का जो मौक़िफ था कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, ये जो है क्लियर है। और अगर एपेक्स बॉडी ने अगर क्लियरली स्टेटहुड फॉर लद्दाख करके ये जो इनिशिएटिव अगर उठाया होता और होता तो और भी अच्छा होता। दर्शकों, यूथ चाहता है कि यूटी बनी, यानी कारगिल के लोग चाहते हैं कि यूटी बनी, जो कारगिल के लोग नहीं चाहते थे, लेकिन मान लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन लोग चाहते हैं कि लेह और कारगिल में समन्वय और तालमेल बना रहना चाहिए। दोनों के बीच में समन्वय और तालमेल होगा तभी उन डिमांड्स को केंद्र सरकार के समक्ष रखा जा सकता है जो इम्पोर्टेंट है। अभी शुरुआती दौर में उन्होंने लेजिस्लेचर और 6th Schedule की डिमांड की। जो एपेक्स बॉडी का अभी एक प्रेस रिलीज आया जिनमें उन्होंने कहा कि जो यूटी विद लेजिस्लेचर की डिमांड को आगे रखेंगे विद सेफगार्ड इन कल्चर एनवायरनमेंट एंड डिफरेंट सेक्टर्स में, उसको बहुत वेलकम करते हैं। उसके साथ साथ जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ बातचीत की जो बात हुई है एपेक्स बॉडी का, उसको हम भी बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि जो पोलिटिकल सोशो पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है दोनों रीजन में जो इस्टेब्लिश हुए हैं पोस्ट बाइफ्यूरिकेशन, वो दोनों आके एक जगह पे आके जो लद्दाख के पेंडिंग इश्यूज़ है उनको डिस्कस करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ जो मैंने देखा आज के टाइम में कि जो डिमोशन का एक जो सिलसिला चला आ रहा है पहले हमारे स्टेट से यूटी तक, अब यूनियन टेरिटरी में जो एपेक्स बॉडी का जो डिमांड था 6th Schedule से अब यूटी विद लेजिस्लेचर का, तो हम एक जो पैटर्न ये चला आ रहा है कि डिमोशन को सेलिब्रेट करने का, उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है लीडर्स को और एक कंसेंसस डेवलप करने की ज़रूरत है बिटवीन एपेक्स बॉडी ऑफ ले। दर्शकों, जनसंख्या पर निरंतर बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल करना, पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना बहुत लाजमी है,
शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और असम की सरकार एक विचार कर रही है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिससे किसी को दिक्कत भी ना हो और नियंत्रण भी हो जाए, यानी पॉपुलेशन भी नियंत्रण हो जाए। उनका कहना है कि जिस परिवार के दो से ज़्यादा बच्चे होंगे उस परिवार को जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं हैं नहीं मिलनी चाहिए, उस परिवार को जो सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलती है, जो सरकार की तरफ से आरक्षण मिलता है, उस परिवार को नहीं मिलना चाहिए। हमने लोगों की राय जानना चाहिए। हमने महंत माहेश्वर दास जी से बातचीत की और उनका कहना है कि ये किसी धर्म जाति या किसी वर्ग से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, देश की उन्नति के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि कहीं ना कहीं इस पर नियंत्रण पाया जाए। मैं आप सबसे यह अपील कर रहा हूं कि इस प्रकार उत्तर प्रदेश यूपी में आसाम में हम दो और हमारे दो का कानून लागू होने जा रहा है, हम दो और हमारे दो जिनके दो बच्चे होंगे उनको सरकार की सारी सुविधाओं प्राप्त होंगी और जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वो सरकार की सुविधाओं से महरूम रहेंगे, सरकार की जो योजना है उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। मैं संपूर्ण देशवासियों से यह निवेदन करता हूँ, काश सारा देश हम दो हमारे दो का मंत्र अपने मन में ले लें और केंद्र सरकार से यह अपील है कि ऐसा कानून जल्दी से पारित हो कि संपूर्ण देश भारतवर्ष में यह व्यवस्था बन जाए कि जिनके दो बच्चे होंगे उनको ही सरकार की सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो दर्शकों, अपनी पार्टी के विक्रम लोहत्रा का भी कहना है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण करना बड़ा जरूरी है। आपको बताते चले कि किस रफ्तार से विस्फोटक स्थिति बनी हुई है जनसंख्या की। जब भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही थी तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बार बार कहते हैं कि मैं अपने 125 करोड़, अब आहिस्ता आहिस्ता 130 करोड़ की आवाज़ आने लगी है और ये आंकड़ा 135 और 140 के बीच में चला गया है मात्र 5-7 साल के बीच में। तो ऐसे जिस तरीके से विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हमें किसी धर्म जाति के साथ इसको नहीं छोड़ना चाहिए, अपने देश की तरक्की तामीर और तरक्की के लिए करना चाहिए। देखिए, बहुत समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो इस कानून को लाने जा रही है और जिस तरह से हमारे देश की आबादी बढ़ रही है मुझे लगता है इस विषय पे सोचा जाना चाहिए था, कुछ करना चाहिए था। और अगर सरकार ने ये कदम उठाया है तो मुझे लगता है इसके पीछे जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उसको लेके उसी मंशा से ये उठाया गया है। और अभी असम और उत्तर प्रदेश में अगर इसको लागू किया गया है, पर इसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है कि ये किसी एक समुदाय विशेष की प्रताड़ना के लिए इसका इस्तेमाल ना हो और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी जानी चाहिए, क्योंकि जो पीछे हो गया है और जो लोग गरीब तबका से हैं और जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं वो बिल्कुल उनको वंचित करना सरकारी नौकरियों से मुझे लगता है वो भी सही नहीं रहेगा। उसमें आने वाले इसको रेट्रोस्पेक्टिवली ना देखते हुए आज से मुझे लगता है जो करंट टाइम पीरियड है उससे लागू किया जाए। दर्शकों, नेशनल सिख फ्रंट के नेता वीरेंद्र जीत सिंह का भी यही मानना है कि ये धर्म का मामला नहीं है, ये ऐसा मामला है देश को। उनका कहना है कि जनसंख्या में ज़मीन कम होती जा रही है, लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, जो एक संकट का संकेत दे रहा है। देखिए, मेरे लिहाज से काफ़ी ठीक है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब देखो जब 2014 में हमारी इलेक्शन थी तो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे 125 करोड़ देशवासियों, और आज 5 साल में वो पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ के करीब जो है पहुंच गई है। और जो भी डेवलपमेंट के काम होते हैं
पापुलेशन इतनी ज़्यादा है कि वो उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। अगर पापुलेशन ठीक होगी, कंट्रोल में होगी, तो हर आदमी को जो है सहूलियत मिल सके। अगर पापुलेशन इसी तरह बढ़ती रही तो वो मुश्किल होगा। इसलिए हम इस फैसले का स्वागत करते हैं कि अच्छा फैसला है। दर्शकों, मुस्लिम रिलीजियस प्रीचर्स का ये मानना है कि इस तरह के प्रयोगों से कोई फायदा नहीं होता है। उन्होंने कहा है कि बेवजह इस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। मुल्क हिंद में बेशुमार इलाकों में, बेशुमार सूबों में रोज़ाना नई नई वारदातें होती हैं, नए नए बिल लाए जाते हैं, नए नए कानून लाए जाते हैं। इस वक्त आपने आसाम के मुतालिक सवाल किया, तो देखें, ये यहाँ की हुकूमत का ये एक दस्तूर बन चुका है कि किसी भी तरीके से वहाँ पर पब्लिक को, लोगों को, आवाम को परेशान किया जाए। अभी ये कानून क्या कानून है? ये कानून ये है कि जिसके दो बच्चे होंगे, उससे ज़ायद जो बच्चे होंगे, उनको क्या नाम है, सहूलियत नहीं दी जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से सहूलियत नहीं दी जाएगी उनको, उनके लिए कोई कानूनी कोई वो नहीं होगा, कोई उनका साथ नहीं दिया जाएगा। ये किस तरीके का कानून है? आखिर ये हुकूमत हिंद चाहती क्या है? आखिर ये उस असम के वो जो हुक्मरान हैं वो क्या चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान के वो इलाकों में तरह तरह का इंतशार फैलाकर और ऐसे रोज़ाना नए से नए बिल लाकर क्या हिंदुस्तान के अंदर कोई नया फितना या नई इनकलाब की लहर दौड़ाना चाहते हैं? ये आखिर वजह क्या है कि रोज़ाना कोई ना कोई नया नई बात सामने आ जाती है और नए नए ऐसे बिल आ जाते हैं? तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाज़त।